अजीत अनंतराव पवार। समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच दादा यानी बड़े भाई के नाम से मशहूर, वैसे शुरू से ही अजीत पवार किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं अजीत पवार। 23 साल की उम्र में गन्ना किसानों की समस्या उठाकर राजनीति में दखल दी और तब से लेकर आज तक राज्य की राजनीति को किसी न किसी तौर पर प्रभावित करते रहे हैं। 1991 में अजीत बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार की खातिर वो सीट छोड़ दी। उसी साल अजीत पहली बार विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में उन्हें कृषि और ऊर्जा राज्य मंत्री का पद मिला। 1999 में वो पहली बार राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने और इस समय राज्य की राजनीति में कहा जाने लगा था कि अजीत पवार शरद पवार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी साबित होंगे। दरअसल अजीत पवार की पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के 2009 में सांसद बनने के बाद खबर आई कि पवार परिवार में सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा। अजीत पवार की शरद पवार से नाराजगी और शिवसेना जैसे विरोधियों से मुलाकात की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन बाद में उन्हें एनसीपी के कोटे से 2010 में उप मुख्यमंत्री का पद मिला। माना गया कि शरद पवार ने भतीजे अजीत को राज्य की राजनीति और बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया है। हालांकि इस राजनीतिक बंटवारे के बाद भी पवार परिवार में वर्चस्व की लड़ाई की खबरें आती रहीं। यहां तक कि अजीत के इस्तीफे को भी कुछ लोग पवार बनाम पवार की लड़ाई के नजरिए से देख रहे हैं।